बैसाखी या व्हीलचेयर का सहारा लेते दुल्हा दुल्हन, ऐसी शादी आपने कहीं नहीं देखी होगी। और सिर्फ एक जोड़ा नहीं, ऐसे कुल 51 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। खबर राजस्थान के उदयपुर की है। वैसे तो दिव्यांग लोगों का जीवन बड़ी परेशानियों और चुनौतियों से भरा हो सकता है, खासकर जब शादी के सपने अधूरे रह जाएं। लेकिन नारायण सेवा संस्थान ने 42वें दिव्यांग विवाह समारोह के जरिए इन सपनों को पूरा कर दिया है। इस खास आयोजन में 51 दिव्यांग जोड़ों की हल्दी, मेहंदी और बारात से लेकर विदाई तक शादी की सभी पारंपरिक रस्मों को अच्छे से पूरा किया गया। समारोह में कई जोड़े बैसाखी या व्हीलचेयर का सहारा लेकर मंच तक पहुंचे। उनके चेहरों पर झलक रही खुशी ने सभी का दिल छू लिया। इनमें से कुछ जोड़े जन्मजात या किसी एक्सीडेंट की वजह से दिव्यांग हो गए थे, लेकिन ये पल सभी के लिए बेहद खास रहा। इन जोड़ों में से एक शांता और केसरी मल की कहानी बड़ी अनोखी है। दरअसल शांता डूंगरपुर की रहने वाली है और दाहिने पैर से जन्मजात दिव्यांग है, वहीं प्रतापगढ़ के केसरी मल हाथ से अपाहिज हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध कर हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। ये पल 51 जोड़ों के लिए बेहद यादगार साबित हुआ। दुल्हा दुल्हन ने गाजे बाजे के साथ एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की रस्में निभाई। समारोह में हर जोड़े की खुशी देखने लायक थी। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। इस मौके पर नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, आज संस्थान परिसर बड़ी में 42वां दिव्यांग नर्तन सामूहिक विवाह समारोह चल रहा है। अब वरमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हल्दी और मेहंदी रस्म का कमाल के अलग अलग प्रकार के जोड़े, एक जोड़ा ऐसा था विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि दृष्टिबाधित लड़का पूर्णतः दृष्टिबाधित और लड़की को एक आंख से नहीं दिखता है। एक जोड़ा ऐसा था जिसमें लड़का दिव्यांग इस प्रकार से कि वो बैठ कर ही चलता है, खड़ा भी नहीं हो सकता, और लड़की पूर्णतः स्वस्थ। इस प्रकार के जोड़े दिखते हैं तो मुझे लगता है कि ये त्याग की पराकाष्ठा है। माता पिता के अपने बिटिया को और अपने बेटे को दिव्यांग जीवन साथी दिलवाना कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, असंभव सा लगता है मुझे तो अपने जीवन में। और इसमें 51 दिव्यांग और एक जोड़े हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से, कई सारे प्रतापगढ़ से, हमारे उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से। और आप देखिए बराती गराती सब लोग आए हैं, भारतवर्ष से ही उपहार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम संस्थान में अभी चल रहा है लगातार। अभी फेरे का कार्यक्रम होगा कुछ शिक्षक में, उसके पश्चात इन्हें हर प्रकार का दैनिक दिनचर्या का सामान दिया जाएगा, जिसमें मंगलसूत्र है, वायजब है, हाथों की चूड़ियाँ हैं, गोल्ड के मंगलसूत्र भी हमारे कई साथी लेके आए हैं जो इन्हें स्वयं पहनाएंगे। और आप देख रहे हैं सारे घर का सामान जो एक गृहस्थी के लिए आवश्यक होता है वो सब यहाँ प्रदान किया जाएगा। इस शानदार आयोजन ने ये साबित कर दिया कि सच्ची खुशी और प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। दिव्यांग जोड़ों के चेहरे की मुस्कान और खुशी ने समारोह को कभी ना भूलने वाला पल बना दिया। लोकल 18 के लिए उदयपुर से निशा राठौड़ की रिपोर्ट।